बेटा आपने हार्ट पढ़ा है, अगर आप मैं हार्ट आपसे कहूं कि हार्ट जो होता है पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप करता है, तो आप कहें बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कहूं कि हार्ट भी जो है इंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्ट भी जो है इंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब हार्ट से भी हार्मोन निकलता है, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि हार्ट से इंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्ट से हार्मोन निकलता है। लेकिन आपको जानकर ये बड़ी ही बेहद आश्चर्य होगा, क्लास 11th में आप आ गए इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि हार्ट भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्ट से भी हार्मोन निकलता है। ये अनऑर्गेनाइज ग्लैंड है, इसका मेजर फंक्शन सिक्रीशन हार्मोन का नहीं है, लेकिन लेकिन जरूरत पड़ने पर भी ये भी हार्मोन का सिक्रीशन करता है। आइए देखिए कौन सा हार्मोन जो इसका सिक्रीट कर रहा है। तो अगर आप हार्मोन्स ऑफ हार्ट देखें तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन में अगर देखा जाए, हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं, तो ह्यूमन में जो हार्ट है वो चार चैम्बर का है, दो आर्किल्स हैं और दो वेंटिकल्स हैं। भाई अगर चार चैम्बर की बात किया जाए तो आपने पढ़ा होगा कि इसके दो आर्किल्स होते हैं, दो आर्किल्स होते हैं, ऊपर वाले चैम्बर को हम लोग आर्किल्स कहते हैं, और दो वेंटिकल्स होते हैं, वेंटिकल्स होते हैं। ये देखिए ये हार्ट के चार चैम्बर्स, दो आर्किल दो वेंटिकल्स। अगर आप फिगर बनाएं तो इससे आप बना सकते हैं कि सर देखिए कुछ ऐसा ही फिगर होता है, हमने एक की डायग्राम बनाया है, रियल हार्ट हमने नहीं बनाया है, सही बात है मैं बनाता भी नहीं आता भी है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा। राइट आर्किल लेफ्ट आर्किल, राइट वेंटिकल लेफ्ट वेंटिकल, ये चार चैम्बर हैं हार्ट के। अगर आपको बात को पता होगा तो राइट साइड के हार्ट को पल्मोनरी हार्ट कहते हैं, लेफ्ट साइड के हार्ट को सिस्टमिक हार्ट कहते हैं। यहां से एक पाइप जाती है जो अशुद्ध ब्लड लेके कहां जाती है, किसके पास, अशुद्ध ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास। यहां से एक पाइप जाती है जो शुद्ध ब्लड पूरी बॉडी में लेके जाता है। ये जो पाइप होती है इस पाइप को हम लोग सिस्टमिक एवर्टा कहते हैं। अगर आपको पता होगा तो इस एवर्टा को हम लोग सिस्टमिक एवर्टा कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट शुद्ध ब्लड लेके जाती है। अब मैं आपको सिखाता हूँ, एक टर्म है स्टार्लिंग लॉ ऑफ हार्ट। स्टार्लिंग लॉ ऑफ हार्ट एक शब्द है, टर्म है जो आपको सीखना है, स्टार्लिंग लॉ ऑफ हार्ट। ये स्टार्लिंग लॉ ऑफ हार्ट क्या है आप समझ जाए कि हार्ट पर जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसे मान लीजिए कि हार्ट में ब्लड ज्यादा भर जाए इन चारों चैम्बर्स में, तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट के पास एक ही ऑप्शन है, अगर ब्लड ज्यादा भर जाए तो इनलेट तो कम नहीं कर सकता है, जिसके जहां से ब्लड आ रहे हैं उन इनलेट से ये ब्लड तो कम कर नहीं सकता है, तो इसके पास एक ही चांस है कि जो पाइप है इनको और फैला दे ताकि ब्लड तेजी से बाहर हो जाए। स्टार्लिंग लॉ ऑफ हार्ट यही कहता है कि अगर हार्ट में ब्लड ज्यादा पंप हो जाता है, हार्ट में अगर ब्लड फिल हो जाए, ब्लड ज्यादा फिल हो जाए, तो हार्ट अपने आप इसे निकाल के बाहर कर देता है। इसलिए इसके आर्किल से एक हार्मोन निकलता है, इसके आर्किल से एक हार्मोन निकलता है। आर्किल से निकलने वाले हार्मोन का नाम जो है, उस हार्मोन का नाम ANF है। अगर इसका पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम है एट्रियल नेचुरेटिक फैक्टर। ये देखिए एट्रियल नेचुरेटिक फैक्टर नाम है, ये एक हार्मोन है, एट्रियल नेचुरेटिक फैक्टर है। इसे हार्ट तब निकालता है जब हार्ट के चारों चैम्बर में ब्लड ज्यादा भर जाता है। ऐसा ये इसलिए, अगर इसको आप देखें तो ये जो ANF है, पहली बात तो ये पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है। दूसरा आपको यह याद करना है कि ये हार्मोन जो है ये वैसोडायलेटर है, वैसोडायलेटर है, NCERT ने लिखा हुआ है, इसलिए आपको याद करना है ये कॉन्सेप्ट, वैसोडायलेटर है। वैसोडायलेटर का सेंस क्या हुआ कि ये जो पाइप है जिससे ब्लड जा रहा है, इन पाइप का नाम क्या है, इस तरफ का नाम का सिस्टमिक एवर्टा है और इस एवर्टा का नाम पल्मोनरी एवर्टा है। ये जो पाइप है जिससे शुद्ध ब्लड या अशुद्ध ब्लड जा रहा है बॉडी के लिए या फेफड़े के लिए, इन पाइप की को फैला देता है। वैसोडायलेटर माने कोई पाइप ऐसे है, वैसोडायलेटर इसे क्या करेगा, और चौड़ा कर देगा, ये एरिया बढ़ा देगा ताकि तेजी से ब्लड सर्कुलेट होकर बॉडी से बाहर चला जाए, पंप होकर बॉडी से बाहर चला जाए। मैं आपको बता दूं एक हार्मोन होता है ADH एंड एक हार्मोन, एक सिस्टम होता है RAS। RAS मतलब इंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये दोनों वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, मतलब जब ये सिस्टम काम करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, जब ये दोनों हार्मोन्स काम करते हैं तो स्थिति ये होती है, पाइप ऐसे होती है तो ऐसे हो जाती है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर माने पाइप अगर कोई चौड़ी है तो ये पाइप नैरो हो जाएगी, तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, आपके सर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये दोनों हार्मोन जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ADH एंड RAS, आर एंटागोनिस्टिक टू, आर एंटागोनिस्टिक टू, आर एंटागोनिस्टिक टू, आप ऐसे लिख दें, आर एंटागोनिस्टिक टू ANF। ANF के एंटागोनिस्टिक है ये दोनों सिस्टम, ये आपको NCERT में स्क्रिटिस सिस्टम में पढ़ने को मिलेगा। ANF
का आपने यहाँ क्यों लिखा? एनएफ क्या है? वैसोडायलेटर है। क्या है बेटा? वैसोडायलेटर है, ये देखिए। और ये दोनों क्या है? वैसोकंस्ट्रिक्टर है। जाहिर सी बात है, एक दूसरे क्या है? एंटागोनिस्टिक है। याद रखिएगा, ये बात एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है, इस चैप्टर में तो नहीं किया है, स्केलेटरी सिस्टम इसको एक्सप्लेन किया है। अगला आप देखिए, एक हार्ट और है, विश्वास नहीं होगा, हार्मोन्स ऑफ किडनी। किडनी भी एक जो है ग्लैंड है, नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड है। तो अगर आप किडनी के हार्मोन्स देखते हैं तो फटाफट आप एक फिगर बनाएं और दिखाएं दुनिया को कि सर हमको ये कॉन्सेप्ट आता है। ये आपने बनाया कि सर ये बाउमेन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ फेले है, ये असेंडिंग लूप ऑफ फेले है, ये आपने कहा भाई ये डीसीटी है, ऐसे आपने कहा। और यहाँ पर आपने कहा कि सर ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये देखिए ये कलेक्टिंग डक्ट है, ऐसे आपने बना दिया। इसे हम लोग इस पूरे स्ट्रक्चर को, अगर आपने 11th में थोड़ी सी भी 10th में पढ़ाई की होगी तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। अब आप देखें, इस नेफ्रॉन में शुद्ध ब्लड की सप्लाई जो देता है वो एक खास तरह का आर्टेरियोल होता है, ये शुद्ध ब्लड की सप्लाई देता है। इसी शुद्ध ब्लड की सप्लाई जो देता है उसे हम लोग अफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। ये शुद्ध ब्लड बॉडी से लेके आता है, फिर आके यहाँ पर छोटी छोटी कैपिलरीज में टूट जाता है बाउमेन कैप्सूल के अंदर, फिर से ये इस बाउमेन कैप्सूल से निकल के बाहर चला जाता है। ये वाइड ज्यादा होता है, जैसे ये बाहर जाता है इसे अफरेंट आर्टेरियोल ना कह के इफरेंट आर्टेरियोल कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये किडनी से बाहर जाने का सोच रहा है। जाएगा नहीं, क्योंकि इसके और भी सारी बातें हैं, जब आपको स्केलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो इसका जिक्र करेंगे। अभी आप बस ये सीखिए, शुद्ध ब्लड आ रहा है फ्रंट आर्टेरियोल से, किडनी में जा रहा है, कैपिलरीज में टूट रहा है, मिलके इफरेंट आर्टेरियोल्स बन रही हैं। इसी अफरेंट आर्टेरियोल की यहाँ पर कुछ खास तरह की सेल्स हैं, इन्हीं खास तरह की सेल्स को हम लोग जेजी सेल्स कहते हैं। कौन सी सेल्स कहते हैं? जेजी सेल्स, ये देखिए जेजी सेल्स कहते हैं। तो अगर आप हार्मोन्स ऑफ किडनी में देखें तो जेजी सेल्स जो हैं, अगर जेजी सेल्स का पूरा नाम लिखा जाए तो ये है, इनका पूरा नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये देखिए जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है जेजी सेल्स। अगर आपसे पूछूं किसका मॉडिफिकेशन है तो आप कहेंगे सर मॉडिफिकेशन ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल। जो अफरेंट आर्टेरियोल है उनका ये मॉडिफिकेशन है, और ये सारी जो ग्लैंड्स है जेजी सेल्स की, ये सारी ग्लैंड्स इंडोक्राइन है, मतलब इनसे हार्मोन्स निकलते हैं, और इनसे जो भी हार्मोन निकलते हैं सारे के सारे हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। ये देखिए सारे के सारे हार्मोन्स कैसे होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। अभी मैं आपको बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ बायो का, सबसे सिंपल लैंग्वेज में बायो सिखा रहा हूँ। बायो तो है बहुत बड़ी, लेकिन बस अब आप सीखिए अफरेंट आर्टेरियोल की सेल्स। एक्चुअली सही बात है कि डीसीटी सेल्स जब जुड़ जाती हैं तब इन्हें हम लोग यहाँ पर प्लस डीसीटी लिख देना चाहिए, लेकिन अभी आपको इतना नहीं सोचना, बस आपको ये सोचना है कि कोई जेजी सेल्स ऐसी कोई चीज है जो अफरेंट आर्टेरियोल से बनती है, उसे सेक्रीशन होता है, इंडोक्राइन सेल्स है, उसे प्रोटीन्स निकलते हैं, प्रोटीनियस हार्मोन है। अगर आप इनके हार्मोन्स देखें तो इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है। अगर आप इसका डिटेल जानना चाहें तो आप ऐसे जान सकते हैं कि ये जो ब्लड आ रहा है कहां से आ रहा है? ब्लड हार्ट से आ रहा है। इस ब्लड में अगर आरबीसी काउंट कम है तब तो एरिथ्रोपोइटिन निकलेगा। ये देखिए तब तो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब आए हुए ब्लड में एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी काउंट कम है, लेकिन अगर आरबीसी काउंट नॉर्मल है तो नो एरिथ्रोपोइटिन सेक्रेशन, उस केस में किसी भी एरिथ्रोपोइटिन का सेक्रेशन नहीं होगा। एरिथ्रोपोइटिन का फंक्शन क्या है ये देखिए, हेल्प इन ऐसे लिख लें आप, हेल्प इन एरिथ्रोपोइसिस
एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस माने क्या हुआ? आप कहेंगे अरे सर सिंपल सी बात है, आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी के प्रोडक्शन में हार्मोन जिम्मेदार है, मतलब आरबीसी के बनने में ये हार्मोन जिम्मेदार है। ये एरिथ्रोपोइसिस माने फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होता है, मतलब आरबीसी के बनने को हम लोग एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। जो हार्मोन इसमें जिम्मेदार है वो हार्मोन कैसा है? एरिथ्रोपोइटिन है। और मैंने बताया कि हार्मोन कैसा है? पेप्टाइड है। इससे जो दूसरा हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम रेनिन है। ध्यान रखिये दो रेनिन होते हैं, ये रेनिन तो हार्मोन है, एक रेनिन और होता है पेट से निकलता है। उस रेनिन की स्पेलिंग देख लें आप, उस स्पेलिंग है REEEN। ये रेनिन क्या है? एंजाइम है, एंजाइम है, एंजाइम है। कहां से निकलता है? पेट भारी होता है इसलिए इसकी स्पेलिंग भी भारी है, पेट भारी होता है इसलिए इसकी स्पेलिंग भी ज्यादा है। ये देखिए ये रेनिन निकलता है, ये रेनिन आगे चल के रास बनाता है, हम आपको पढ़ाएंगे। रास बनाता है मतलब सीधे सीधे लिखूं इनडायरेक्ट, ये साल्ट रिटेनिंग का काम करता है, साल्ट रिटेनिंग का काम करता है। डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप ऐसे कर सकते हैं कि एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाता है, एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन कराता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो हमारी किडनी है उससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन जिससे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, दूसरा हार्मोन है रेनिन। स्पेलिंग ध्यान रखें REEN है तो किडनी से निकलेगा, स्पेलिंग छोटी होगी, लेकिन REEEN पेट भारी होता है स्पेलिंग भी भारी है, REEEN है तो एंजाइम है, REEEN है तो वो क्या है? हार्मोन है। वो जीजी सेल से निकलता है, एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन कराता है, एल्डोस्टेरोन का काल मैंने आपको काम बताया एड्रेनल ग्लैंड में साल्ट रिटेनिंग का काम करता है। इस तरह से अगर आप देखें तो जो हमारी किडनी है उससे दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन।